हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बनाएंगे भरवा भिंडी, जिसे हम साबुत भिंडी भी कहते हैं। और आज हम मसालेदार भरवा भिंडी बनाएंगे, जिसे खाकर आप दूसरी सब्जी खाना भूल ही जाएंगे। और हर बार इस तरीके से भरवा भिंडी ही बनाएंगे। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं मसालेदार भरवा भिंडी बनाना। भरवा भिंडी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है खूब सारा लहसुन। लहसुन को हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो लहसुन को हमने इस तरीके से क्रश कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है। और अभी हम भरवा भिंडी का मसाला बना के तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बाउल में डाल दिया है कद्दूकस किया हुआ लहसुन। उसके बाद हमने यहाँ पे 4 से 5 छोटे चम्मच मिर्ची डाल दी है। उसी के साथ ही हम इसमें डाल देते हैं 3 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर। स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डाल देते हैं और थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डालेंगे। और उसके बाद हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 नींबू का रस। नींबू के बीज निकाल दें और नींबू को इस तरीके से इस मसाले में निचोड़ लें। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, एकदम चटपटी से हमारे ये मसालेदार भरवा भिंडी बनके तैयार होगी। तो नींबू को हमने अच्छे से निचोड़ लिया है और नींबू का रस डालकर भी हम मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा भरवा भिंडी में बनने के लिए मसाला बनके तैयार हो चुका है इस तरीके से। और भिंडी को भी हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अभी हम भिंडी को एक कपड़े से साफ कर लेते हैं, अच्छे से इसको पोंछ लिया कपड़े से। भिंडी को अच्छे से पोंछने के बाद हम भिंडी को दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कट करेंगे। दोनों साइड से इसके नुकीले पार्ट और पीछे वाला डेंटल हटा लेते हैं। भिंडी के दोनों हिस्सों को कट करके हम बीच में एक इस तरीके से चीरा लगाएंगे। और सारे भिंडी को हम इस तरीके से दोनों हिस्सों को कट करते हुए बीच में चीरा लगा के तैयार करेंगे। बस एक साइड से ही ऊपर से चीरा लगाना है, चीरा को आर पार नहीं करना इस तरीके से, ताकि हम इसके अंदर ये मसाला भर सके। और अगर आपके पास बड़ी भिंडी है तो आप उसको बीच में से कट कर सकते हैं, उसके दो हिस्से कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे छोटी छोटी भिंडियाँ ही ली है। भरवा भिंडी बनाने के लिए हमेशा इस तरीके की छोटी छोटी भिंडी ले, जिससे कि ये अच्छी रहे और ये अच्छे से पक जाए। तो सारी भिंडी को हमने इस तरीके से कट कर दिया है और बीच में से चीरा लगा दिया है। और अभी हम इसके अंदर मसाला भरेंगे। तो इस तरीके से हम अच्छे से इसके अंदर मसाला भर लेते हैं। बहुत ही अच्छी मसालेदार चटपटी से ये हमारी भरवा भिंडी बनके तैयार होगी। इसके अंदर हमने लहसुन डाला है तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और सारी भिंडी के अंदर हम इस तरीके से ये मसाला भर लेते हैं। और आप भी इस तरीके से जरूर बना के ट्राई करना। रोज रोज अगर आप भिंडी की सब्जी बना के बोर हो गए हैं तो आप इस तरीके से एक बार मसालेदार भरवा भिंडी बना के जरूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छी बनती है। और इस तरीके से हमने सारे भिंडी के अंदर मसाला भर के तैयार कर लिया है। और फाइनली हमने सारी भिंडी के अंदर ये मसाला भर दिया है और मसाला भी हमारा पूरा हो चुका है और भिंडी भी हमारी एकदम से तैयार है। भिंडी हमारी तैयार है तो अभी हम इस भिंडी को फ्राई करेंगे। और भिंडी के अंदर हमने भर भर के मसाला डाला है। भिंडी को फ्राई करने के लिए हमने गैस ऑन कर दिया है और गैस पे एक कढ़ाई रख दी है। और कढ़ाई में अभी हम तेल डाल देते हैं। तेल को इस तरीके से कढ़ाई के चारों ओर फैलाते हुए डालें, ताकि हम भिंडी डालें तो भिंडी कढ़ाई की लगे नहीं, चिपके नहीं।
इसलिए कढ़ाई को भी आप चिकना कर दें। तेल गरम हो चुका है, इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं ये हमारी भरी हुई मसालेदार भिंडी। सारी भिंडी को हम इस कढ़ाई में डाल देते हैं। भिंडी को कढ़ाई में डालकर हल्के हाथ से एक बार हम इसको मिला लेते हैं, ज़्यादा मिक्स ना करें, बस हल्के हाथ से इसको आप मिला लें। और उसके बाद हम इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसको सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक पकने देंगे। इस तरीके से ढक्कन लगाकर हम इसको पकने देंगे और उसके बाद हम ढक्कन हटाकर इसको एक बार पलट लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं भिंडी हमारी नीचे से अच्छे से पक चुकी है, तो भिंडी को हम पलट लेते हैं। भिंडी को अच्छे से पलटने के बाद हम भिंडी को 2 मिनट तक और ढक्कन लगाकर पकाएंगे, जिससे कि हम ऊपर की साइड से जो भिंडी कच्ची रही है वो भी अच्छे से पक जाए। तो ढक्कन लगाकर हम 2 मिनट तक इसको और पकाएंगे। तो फाइनली हमारी भिंडी 2 मिनट तक और पक चुकी हैं और एक बार फिर से हम इसको मिला लेते हैं। तो भिंडी हमारी अच्छे से बनके तैयार हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं भिंडी अच्छे से पक चुकी हैं, ये अच्छे से नरम हो चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं। और आप देख सकते हैं ये दिखने में भी कितनी कलरफुल और कितनी टेस्टी लग रही हैं। तो खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होगी, एकदम चटपटा सा फ्लेवर होगा। और ये मसालेदार हमारी भरवा भिंडी बनके तैयार हैं। तो भिंडी को अभी हम एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारी मसालेदार चटपटी सी भरवा भिंडी बनके तैयार हो चुकी हैं। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ, तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।